प्रतिवर्ष नवरात्रि के पहले दिन मंगल कलश या घट स्थापना की जाती है। अतः इस दिन शुभ मुहूर्त, सही समय और सही तरीके से स्थापना करके माता का पूजन करना चाहिए। इस बार नवरात्रि 9 दिन की होगी। शनिवार 2 अप्रैल से नवरात्रि पर्व शुरू होकर सोमवार 11 अप्रैल 2022 को समाप्त होगी। आइए जानते हैं कैसे करें कलश स्थापना, जरूरी सामग्री, पूजन विधि और पूजा के शुभ मुहूर्त। नवरात्रि कलश स्थापना की सामग्री: जो बोने के लिए मिट्टी का पात्र, साफ मिट्टी, मिट्टी का एक छोटा घड़ा, कलश को ढकने के लिए मिट्टी का एक ढक्कन, गंगा जल, सुपारी, 1 या 2 रुपए का सिक्का, जवारे, इत्र, पुष्प और फूल माला, नारियल, लाल कपड़ा या लाल चुन्नी, दुर्वा घास, आम की पत्तियां, अक्षत, मोली, कलावा और रक्षा सूत्र। कलश स्थापना पूजन विधि: सबसे पहले मिट्टी के बड़े पात्र में थोड़ी सी मिट्टी डालें और उसमें जवारे के बीज डाल दें। अब इस पात्र में दोबारा थोड़ी मिट्टी डालें और फिर बीज डालें। उसके बाद सारी मिट्टी पात्र में डाल दें और फिर बीज डालकर थोड़ा सा जल डालें। ध्यान रहे, इन बीजों को पात्र में इस तरह से लगाएं कि उगने पर यह ऊपर की तरफ उगे, यानी बीज को खड़ी अवस्था में लगाएं और ऊपर वाली लेयर में बीज अवश्य डालें। अब कलश और उस पात्र की गर्दन पर मोली बांधे, साथ ही तिलक भी लगाए। इसके बाद कलश में गंगा जल भर दे। इस जल में सुपारी, इत्र, दुर्वा घास, अक्षत और सिक्का भी डाल दे। अब इस कलश के किनारों पर 5 अशोक के पत्ते रखिए और कलश को ढक्कन से ढक दे। अब एक नारियल ले और उसे लाल कपड़े या लाल चुन्नी में लपेट ले। चुन्नी के साथ इसमें कुछ भी पैसे जरूर रखें। तीनों चीजों को तैयार करने के बाद सबसे पहले जमीन को अच्छे से साफ करके उस पर मिट्टी का जो वाला पात्र रखें, उसके ऊपर मिट्टी का कलश रखें और फिर कलश के ढक्कन पर नारियल रखें। आपकी कलश स्थापना पूर्ण हो चुकी है। इसके बाद सभी देवी देवताओं का आह्वान करके विधिवत नवरात्रि पूजन करें। इस कलश को आपको 9 दिन तक मंदिर में ही रखे देना होंगे। बस ध्यान रहे कि सुबह शाम आवश्यकता अनुसार पानी जरूर डालें। चैत्र नवरात्रि के शुभ मुहूर्त: चैत्र नवरात्रि पर कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 2 अप्रैल को सुबह 6:10 से 8:29 तक रहेगा। चैत्र नवरात्रि घट स्थापना मुहूर्त की कुल अवधि 2 घंटे 18 मिनट है। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचें, मास्क पहनें व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।